देखते 400 किलोमीटर है रही हो ना। हाँ जी, तो उससे छिटपुला गया आपका 50 किलोमीटर कम हो गया, सिर्फ 50 किलोमीटर। ठीक है, चलो ओके। हाँ जी हाँ जी, बसंतपुर रोड रोड में बस जाना, लालगंडा होके जाना। हाँ हाँ, वहीं से जा रहा हूँ। डबल आओ। हाँ जी जी, चलो ओके, थैंक यू जी। ज्यादा खुल जाता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वेलकम टू डे टू। आज हम निकले हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो पहले अपने चैनल की रीत निभाते हैं। रीत क्या है? व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हमारा डे टू है। डे टू बोले तो हम यहाँ से निकले हैं बिलासपुर से चितकुल के लिए। आगे चल के आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि कल क्या हुआ। थोड़ा सा धोखा हो गया मेरे साथ, लेकिन जब ऐसी लॉन्ग जर्नी होती है तो इतने छोटे धोखे तो होते ही हैं। अभी तक बिल्कुल अच्छा था और धूप भी अच्छी पड़ रही थी। धूप अभी पड़ रही है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा आ गया, तो इट सीम्स कि ओ माय गॉड, ये देखो। मैंने बाइक बंद करी हुई है, आराम से चली जा रही है। डाउन हिल पे है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि होता क्या है ऐसे टाइम पे ना, बाइक को भी रिलैक्स मिल जाता है। एक और आपको बताता हूँ बात, कि आने से पहले मैंने बाइक पे बड़ी अच्छी चीज़ करवाई थी, बट दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब उसका यूज़ हो पाए वो तभी दिखाऊँ, अभी दिखाने का मज़ा नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करें। डगी गाइस, ये पॉइंट मेरे से मिस नहीं हो रहा ना, आपको दिखाना बनता ही है। कोई खाली जगह आती नहीं, ये जगह अच्छी है, इट्स ब्यूटीफुल। पूरा पूरा देखो यहाँ से, पूरे लाइन से बादल हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही है ये जगह। तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ बैठ के ना खड़े होके एक फ़ोटो भी क्लिक करवाता हूँ। क्लिक नहीं करवाता हूँ, करनी है बस। मैं बाइक चलाते हुए ना, मेरे को ये लोकेशन बड़ी अच्छी लगी थी। तो करीब 1 किलोमीटर हो गया है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया कि ये पार्ट सीधे 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 मेरे साथ चली जा रहे हैं। तो अच्छी लग रही थी लोकेशन। अभी क्या हुआ, अगर आपको शायद सुनाई दे रहा हो, राइट, तो हुआ क्या कि पटाखे बजने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा यहाँ पे कहाँ पटाखे। फिर ध्यान आया जब मैं अभी पीछे आ रहा था तो बहुत सारी गाड़ियाँ और कुछ लोग तैयार होके कहीं जा रहे थे, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई मैरिज थी जिसके लिए वो जा रहे थे, और वहीं मैरिज पे ये पटाखे बजाए जा रहे हैं। तो मैं पहले ना रुक गया, मैंने कहा ये कहाँ आवाज़ आ रही है, मेरे को समझ नहीं आया। देन मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये वहाँ से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे अभी हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, फुल कर दो। वैसे तो पेट्रोल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा डलवा रहे हैं। नॉर्मल डाल, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि और आगे मुझे कब पेट्रोल पंप काम मिलेगा? पेट्रोल
पेट्रोल पंप से इधर 3 किलोमीटर आगे। नहीं नहीं मतलब क्योंकि मैं चितकुल जा रहा हूँ। अच्छा तो आगे मिलेगा तो आपको रामपुर वगैरह। अच्छा मिलता रहेगा। हाँ ठीक है। सो एक ये नया एंगल हमने बनाया है जो हम मैं एक लेके आया हूँ मोटोवॉल्फ का माउंट, ये वाला देखो ये माउंट बहुत सही है, बहुत सारे एंगल्स बना देता है। अभी मेरे को एक इससे बहुत अच्छा एंगल समझ में आया है, वो उस तरह की लोकेशन आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको डेफिनेटली आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई होप ये एंगल भी आपको अच्छा लगा होगा। ये वो लोकेशन है जिसके बारे में मुझे बताया जा रहा था कि अभी आगे मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे सतलुज जो है हमारे साथ सतलुज नदी वो बिल्कुल साथ साथ चलती रहती है। तो अभी जैसे कहते हैं ना बॉम्बे में मरीन ड्राइव, तो ये देखो साथ साथ पूरा सतलुज चलती रहेगी, यही रूट है साथ साथ चलती रहेगी। तो बेसिकली वो हमें गाइड भी कर देती है कि आपको कहाँ से जाना है। फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आ गई है लेकिन ये बिल्कुल साफ है, थोड़ी सी खराब थी हो गई। तो भी मैं बहुत बढ़िया लोकेशन पे हूँ, वैसे तो लोकेशन सारी ये बढ़िया ही है लेकिन ये क्या है कि पूरा लॉन्ग मींस कि पिछले 10 किलोमीटर से ये सड़क ऐसी ही चली जा रही है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। पहाड़ों में आए मैगी ना खाया तो क्या हुआ, और हमें भैया मिले हैं। आपका नाम क्या है? साविल। मुन्ना भाई MBBS। गुलबार भाई क्या? गुलबार भाई अरबाज भाई। तो ये सारे यहीं पे काम करते हैं, तो आगे काम करने जा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ रुका था मिले, फिर बातचीत करी, तो चलते हैं अभी आगे चल के फिर देखते हैं। बाकी इनको चैनल अभी डाल देंगे, सब्सक्राइब करवा देंगे ताकि आगे जाके ये हमें वीडियोस भी देंगे ये वाली। तो अभी हमने इनके ढाबे पे मैगी खाए हैं। नाम क्या है आपका? संतोष मिला जी। संतोष जी इनका गेमिंग चैनल है, आपके चैनल का नाम बताओ। नहीं अरे नाम बता दो गेमिंग चैनल जो करते हो। नहीं वो मेरे को याद नहीं हो। इनका ना एक गेमिंग चैनल है बट थोड़ी सी वीडियोस डाली थी इन्होंने, उसके बाद डाली नहीं, साल पहले की बात, दो तीन साल पहले, तो नाम बता नहीं रहे हैं। मैंने भी पूछा था नाम नहीं बताते। तो यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूँ, तो ये एक छोटी सी बिल्ली पड़ी हुई है, तो वो बता रहे हैं कि ये 2 दिन पहले ना यहीं पे आगे सड़क के बीच में पड़ी हुई थी, तो उठा के इन्होंने यहाँ पे रख लिया, सो रही थी, मैं यहाँ आके बैठ गया, मुझे पता ही नहीं, अभी मैंने देखी है। अभी पेट पूजा अच्छे से हो गई है तो अब अच्छे से मज़ा आएगा राइड करने का आगे का। तो अभी जिनसे मिला था मैं, जो 4-5 लड़के थे जो आगे काम करने जा रहे थे, उनमें से जो मुन्ना भैया था जिनका नाम मुन्ना भैया था, वो ये मतलब वैसे तो सारे ये यूपी से है, यूपी मुजफ्फरनगर से, वो कहते कि उनका जो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके साथ रोज़ का मिलना जुलना है, तो वो उन्होंने नंबर नंबर दिया, कह रहे आओ कभी हमारे मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर जाएंगे कभी प्लान बना तो पक्का मिल के आएंगे। तो वो कहते अगर वो भी होंगे ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर उधर होंगे तो उनसे भी मिलाएंगे। करते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू। यहाँ के जो पहाड़ है ना उनके लिए मैं बताऊं बेसिकली वो कैसे है, ये शिमला से नहीं है, ये नारकंडा कुछ नहीं आया, सारे रास्ते कोई रास्ता नहीं आया इनमें से, तो यहाँ के जो कट थोड़े बड़े बड़े हैं लेकिन उसके साथ साथ जो उनसे सड़कें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब कि जैसे अगर यहाँ से मैंने कट आ गया, ये कट मैंने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो बहुत देर बाद कट आएगा, तो मतलब सड़क काफ़ी लंबी लंबी है। तो फाइनली मैं रामपुर पहुंच गया हूं, सामने पड़ा देख रहे होगे आई लव रामपुर। तो रामपुर पहुंच गए, यहां से आई थिंक काजा है कुछ एक, सॉरी काजा नहीं चितकुल,
चितकुल है 120 किलोमीटर। तो एक मैसेज प्रिया के लिए, प्रिया कह रही थी अकेले जा रहे हो किसी फ्रेंड को साथ ले लो, तो कोई नहीं मिला। बट इस तरह के सोलो राइडर्स जैसे और भी हैं, पहले भी आगे भी कई निकले हैं, जिन जो वो आगे चले गए कुछ पीछे रह गए, तो सोलो राइडर्स काफ़ी जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली रास्ते में हम बैठ के बातचीत करेंगे, बातचीत हमने करी तो आपकी भी बातचीत करवाएंगे। बट ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं कि सोलो राइड्स नहीं करते इतनी, मेरे को कईयों ने मना किया, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा सब करते हैं ना, हमसे भी होगी, हम भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, होगा। तो इसी तरह की सोलो राइड्स और भी होगी। ये कॉर्नर है पहाड़ी, और इस तरफ देखो तो ये देखो, ये उसके बिल्कुल सामने का व्यू है। टपोरी लैंग्वेज जो होती है ना, जैसे उसमें कहते हैं चौकस व्यू है रे, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अभी देखो ये है चितकुल का गेट, इसको कहते हैं चितकुल का गेट, ये पहाड़ के अंदर से, और ये ऐसा नहीं है ये कोई पत्थर, ये पूरा प्रॉपर बना हुआ है। तो एक बार मैं भी यहाँ रुक के फोटोग्राफ करवाता हूँ। यहाँ रुक के फोटो ना क्लिक करी तो क्या फायदा, वही तो हमारा एक बंदा निकल गया, वो रुका ही नहीं। अच्छा उसका भी चल रहा है, फोटो निकलने कोई रुका नहीं। आगे वो सीता रोड है, दिल्ली तो अगर ना। हाँ जी दिल्ली। ये देखो आ गया एक और वैसा, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। वेलकम टू कच्छम। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे ज्ञान बुल भंडार, इनकी शॉप पे। मेरे को रेन कवर एक्स्ट्रा चाहिए था तो मैंने रेन कवर लिया है। नाम क्या है आपका? प्रकाश। लोकेश। आपका आंटी? ज्ञान देवी। और आपका? अदिति। तो इनकी शॉप से अभी मैंने रेन कवर लिया है तो मेरे को मिल गया, अब मैं आगे निकलूँगा। दे दो जो शॉप से लिया ना, आंटी बड़े अच्छे थे, कहते मैंने कहा बाहर ना कैमरा पड़ा हुआ है, तो कह रही कैमरा पुलिस वालों के लिए। मैं कहा नहीं एक्चुअली ना मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ। कह रही तो हमारी भी बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से उनकी वीडियो बनाई। तो अच्छा लगता है जब कोई इतने प्यार से कहता है ना, तो फिर बनानी चाहिए। घूम घूम मज़ा आ जाता है इसके अंदर से जाने का। आवाज़ आती है जैसे लोहे खड़कने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आती है, मज़ा आता है। ये कोई मिलिट्री का ऑफिस है, मिलिट्री का है, जिसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है हाउस द जोश। सो हम भी बोलेंगे हाउस द जोश हाय। पीछे बोलने वाला, हाय बोलने वाला कोई नहीं है, तो मुझे खुद ही बोलना है। गाइस कसम से इतना कुछ है ना यहाँ देखने को, यू डोंट बिलीव कि मेरा 64 GB का मेमोरी कार्ड आज भर गया, अभी का मतलब भरने वाला है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब तक मैं होटल में चेक इन करूँगा तब तक ये भर चुका होगा, बट क्या करें, ज़रूरी भी है। टुपका वैली, पेट्रोल पंप, बट मैंने अभी फुल करवाया है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं सुबह यहाँ से आता हुआ फिर से फुल करवा लूँगा।
ना एक ग्लव्स मेरा कहीं मिस हो गया शायद, तो मेरे को बिना ग्लव्स के चलाना पड़ा, और गर्म वाले हैं मेरे पास, वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता। तो मेरे हाथ का हाल देख लो, ये टैनिंग हुई बड़ी है। तो ये दिल्ली जाके कितने दिन लगेंगे ठीक होने को मुझे भी नहीं पता। तो वीडियो मैंने अभी मैंने किस लिए आया, बेसिकली ये फ्लैग जो उनसा होता है जो यहाँ का रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने लिया था, यहीं से लगवाया है। लेने को दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन यहीं जो चीज़ जहाँ की होती है ना वहीं जाके यूज़ करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से लिया। तो अब ये भी मैं बाइक पर लगाने वाला हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे चितकुल, जो कि है यहाँ से 25 किलोमीटर और। सो गाइस, ये जो चितकुल है, चितकुल जो है वो भारत का आखिरी जो बॉर्डर है, गांव है वो है। उसके बाद जो आता है पूरा जो है एरिया उन्हीं का आर्मी एरिया है, इसीलिए यहाँ पे जो तिब्बतन लोग हैं वो भी काफ़ी हैं। तो कई दिखे हैं मुझे, ऐसा नहीं है एक दो, कई दिखे हैं। तो हो सकता है वो जो यहाँ भी रहते हों या उधर के ट्रेंड को मानते हों, जो उधर का रिलीजन है, कुछ होगा ऐसा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं जब होटल में पहुँचूँगा तो होटल वाले से पता करके मैं आपको बताऊँगा इस बारे में ज़रूर कि क्या है वो। ये है चितकुल लोकेशन, व्यू देख लो। राइट, और इंडिया लास्ट विलेज एल्टीट्यूड 11,320 फीट पे। तो अभी यहाँ पे हम अपनी ब्रांडिंग लगा देंगे, तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, ब्रांडिंग लगाते हैं पहले। इंडियाज लास्ट विलेज। अभी कैमरे की जो मेमोरी कार्ड था वो फुल हो गया, तो ये पार्ट भी इसी से बनाना पड़ रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं चितकुल हाईएस्ट विलेज पे, और यहाँ पे ट्रैकिंग चल रही है, तो अब आगे चलते हैं। अभी होटल मिल गया, तो हुआ एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो ये है हॉस्टल। तो हुआ क्या कि मैं यहाँ पे गया रूम लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आपका शेयरिंग बेसिस पे होता है, बेड लगे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे दिखाओ, और प्राइस था 600 रुपये। मैंने कहा मुझे दिखाओ कि कैसा होता है। तो उन्होंने मुझे दिखाया, एक रूम दिखाया, कह रहा ऐसे होता है। फिर मैंने कहा यार मेरे को इंडिविजुअल रूम चाहिए था। फिर मैं यहाँ आया तो इन्होंने रूम दिखाया जो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, ये रूम मुझे मिला 800 रुपये का। तो इसके बाद मैंने कहा एक बार देखूँ तो जो शेयरिंग बेसिस वाला एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मैं गया उनके, मैंने कहा भाई रूम दिखा दो जाए कैसा होता है। फिर उन्होंने मुझे रूम दिखाया, एक रूम दिखाया, कहते वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये कि तो ऑलरेडी है, कह रहा हाँ तो लड़कियाँ अंदर ही होती हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा अलग से दे, मैं अपनी प्राइवेसी में तो रहूँ, लड़के लड़के होते तो चल जाता है, लड़कियाँ होती हैं तो फिर थोड़ा प्राइवेसी की अच्छा लगता है ना, रिलैक्स होकर बैठ सके हम। तो फिर मैं वापस यहीं आ गया, ये मुझे रूम है, ये देखो यहाँ से देख लो, ये रूम है, सिंपल है, और जो बार का नज़ारा है ना मज़ेदार है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कल सुबह। और तो और बाइक खड़ी है बिल्कुल नीचे, ये खड़ी बाइक यहाँ सामने खड़ी है, तो इसलिए मुझे ये रूम बड़ा पसंद आ गया। तो अब आपको आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक करो या कमेंट करो, आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरी मेहनत आपको लगती है कि हाँ अच्छे से पूरी मेहनत करी है, आज भी मैंने कम से कम 350 किलोमीटर पहाड़ों में राइड करी है, अगर आपको लगता है कि अच्छे से मैंने आपको सब कुछ घुमाया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत, जय हिंद, बाय बाय बाय।